अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहतरमा जरताज गुल, मेंबर कोर कमेटी पीटीआई। कल NF4 पिशावर का जो है वो बाई इलेक्शन हो रहा है, और मैं अपने जितने भी टाइगर्स और टाइगर्सेस हैं, मैं उनके एक पैगाम देना चाहती हूं कि कल का मार्का बहुत अहम है। हमारे पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं, जो हमारी पीटीआई की तरफ से अरबाब आमिर अयूब, आपने उनको जितवाना है। पीटीआई का फेस है, नौजवान है, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो उन्होंने की है। लेकिन कल जो है आप लोगों ने ये साबित करना है, क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा कि इलेक्शन असल में इलेक्शन वाले दिन होता है। अगर आप मजबूती से खड़े रहें, एक तरफ वो करप्ट टोला है जो सब इकट्ठे हो गए, स्टेटस को के लोग, चाहे वो किसी रिलीजियस पार्टी से हों, मजहब के नाम के ऊपर सियासत कर रहे हो, या मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन या अल्लाह माफी दे, खवातीन के नाम पे सियासत करना चाहते हों, उनको ऐसे यूटिलाइज करते हों कि किसी की पगड़ी उछालनी हो, या तो उस तरह के लोग शामिल है, या फिर उस तरह के लोग हैं जिनका काम है कि सिर्फ इकतदार से चिमटे रहना है, आवाम की खिदमत करनी है। दूसरी तरफ पीटीआई का विजन है, इमरान खान का विजन है, हमारा केपीके, नया केपीके का विजन है, जिसमें आपने देख लिया है कि अल्लाह ताला के करम से हमने पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर लिया है। किसी थाने में कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होती, कोई किसी के खिलाफ FIR जो है ना हक नहीं दर्ज करवा सकता। हेल्थ फैसिलिटीज को आप हमारी देख लें कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज सबसे बेस्ट होगी। स्पेशली इंसाफ कार्ड को आप देख लें, जिसमें पहला बच्चा जो पैदा हुआ है, जिसके इंसाफ कार्ड के जरिए जो है उनकी मदद की गई, उनका नाम भी इमरान खान रखा गया है। दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो एजुकेशन में पिछले 4 साल में जो है हमारी टॉप पे एजुकेशन है पूरे पाकिस्तान में। प्रोविंस के लिहाज से केपीके की एजुकेशन सबसे टॉप पे, सेकंड पे पंजाब है, थर्ड पे फिर फाटा है, और फिर बलोचिस्तान और सिंध है। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पाकिस्तान में आप देख लें तो सबसे टॉप पे जो डिस्ट्रिक्ट है एजुकेशन वाइज वो बनू आता है, और बनू आपको पता है कि टेररिज्म से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था, ITBs का सबसे ज्यादा वहां पर बोझ था, लेकिन फिर भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन के हमारे जो मिनिस्ट्री है कि उनका कमाल है कि पूरे पाकिस्तान में बनू जो है वो एजुकेशन रैंकिंग वाइज 83.5% के साथ सबसे आगे है। ग्रीन जो हमारे बिलियन ट्री सुनामी, आप उसको देख लें। इमरान खान एक ऐसे लीडर हैं कि जिन्होंने अगर इलेक्शन की धांधली से लेकर और पनामा के केस तक करप्शन में बड़े बड़े जागीरदारों को, वडेरों को, और 4-5 जो बड़े बड़े खानदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की पूरी दौलत पे कब्जा किया है, उनको जो है गरेबान से पकड़ के लाकर सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आना और उनको कन्विक्टेड मुजरिम करार दे के, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ टैक्स एवेजन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, पाकिस्तान का पैसा लूट के खाया है, जालसाजी की है, फ्रॉड किया है, और ये बिलियन में नहीं, ये ट्रिलियंस में ये पैसा है, पाकिस्तान की जड़े जो है वो खोखली कर दी गई है। पहली दफा अगर किसी मगरमच्छ का हिसाब किया तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने किया है। तो मेरी अपने टाइगर्स और टाइग्रेसेस से जो है ये रिक्वेस्ट है कि कल आप पोलिंग स्टेशन का जो 7 बजे का या 8 बजे का जो इलेक्शन कमीशन ने टाइम मुकर्रर किया, आप उसे 1-2 घंटे पहले वहां पे खड़े हों, मजबूती से खड़े रहें, क्योंकि मैं आपको ये यकीन दिलाती हूं और आपको भी इस बात का पता है, पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता है कि जो वोट है पूरे पाकिस्तान का, केपीके का और तमाम लोगों का, वो बेसिकली इमरान का है, पीटीआई का है। तो NF4 में आप लोग साबित कदम रहें, खड़े रहें, इलेक्शन वाले दिन आप लोगों ने 5 बजे तक जो इलेक्शन का है रिजल्ट आपने लेकर आना है, और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह जो हमारे NF4 में जो हमारे कैंडिडेट हैं अरबाब जो हैं अयूब साहब, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि उन्हीं की जीत होगी और एक नया केपीके हम बनाएंगे, नया पाकिस्तान के हम सिपाही हैं, इमरान खान के टाइगर्स और टाइग्रेसेस हैं, और आप लोगों ने साबित करना है कि आप हर महाज पे, और हमारा महाज जो है वो आप एक बात याद रखिएगा कि ना हम बदमाश, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास कोई जोर है, हमारे पास सिर्फ एक ही ताकत है और वो वोट की ताकत है। हम वोट की पर्चे के जरिए जो है तब्दीली लेकर आएंगे। तो कल आपका इम्तहान है, NF4 में आप जो है हमारे कैंडिडेट को, पीटीआई के कैंडिडेट को जो है अरबाब साहब को आप जितवाइएगा। इंशाल्लाह कल रात को जो है पूरा KPK इमरान खान के साथ, अरबाब साहब के साथ, पीटीआई के साथ NF4 में इंशाल्लाह अपनी जीत का जश्न मनाएगा। और ये बात आप याद रखिएगा कि पीटीआई सिर्फ अपने कैंडिडेट का और अपने वर्कर्स का और अपने लीडर्स का एहतसाब करती है, और किसी पार्टी में ऐसा नहीं होता। मैं आप लोगों का वेट करूंगी, इंशाल्लाह कल जीत हमारे सर होगी। वी फॉर विक्ट्री फॉर नया पाकिस्तान, इमरान खान के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। और मेरे वर्कर्स, टाइगर्स और टाइग्रेसेस, NF4 में आपने अपने हौसले के साथ, अपने यकीन के साथ और अपने वोट के साथ आपने इमरान खान को कल जितवाना है। थैंक यू।